तो दोबारा करवा नहीं लो। नहीं कोई नहीं, करवा चौथ के बाद एक होई का व्रत आता है, उसमें पति की पूजा की जाती है लंबी उम्र के लिए, इसमें बच्चों की क्या मानते हैं आप? जी बिल्कुल, ये व्रत जो है बहुत ही एक अच्छा और सुखद व्रत है। इस दिन अंदर से भी एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशंस रहती है कि हम बच्चों के सुख की कामना कर रहे हैं, उनके लिए व्रत रख रहे हैं, और व्रत में बिल्कुल भी परेशानी महसूस नहीं होती। ऐसा लगता है कि अगर हमारे व्रत रखने से हमारे बच्चे सुरक्षित रहते हैं तो ये बहुत अच्छा और सुखदायी होता है। किस किस चीज़ से पूजा करते हैं? इसमें विशेष रूप से एक होई की माला बनाई जाती है जिसमें होई माता को चांदी में बनवाया जाता है, और एक दाने आते हैं तो वो बच्चों के नाम से, घर में जितने बच्चे होते हैं उनको सुरक्षित रखने की दृष्टि से उनके सबके नाम के ये दाने अपनी माला में डालते, हर वर्ष डाले जाते हैं। तो विशेष रूप से तो यही है, और मीठे फल, मीठे पकवान बनाए जाते हैं जिनका वायना भी निकलता है, और सुरक्षित रखने की दृष्टि से ही सभी व्याधियों से बचाते हुए उनका एक थोड़ा सा एक खेल सा किया जाता है, बच्चों को उनके सामने डाले जाते हैं, बच्चे उनको उठाते हैं, तो एक घर में सौहार्द और प्रेम का वातावरण भी बनता है। घर को खुशहाल रखने के लिए महिला ही क्यों व्रत रखती है? जी बिल्कुल सही कहा आपने, शायद मन जो है महिलाओं का अधिक भावुक और निश्चल माना गया है, और भक्ति जो है वो निश्चल और भावुकता से की जाए, बिल्कुल एक शांत मन से, शायद इसीलिए महिलाओं को चुना गया है। और इसमें एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगी कि अभी तक पुत्रों के लिए व्रत रखा जा रहा था, कुछ ऐसा होने लगा है पुत्रियों के लिए भी व्रत करने लगे हैं, तो मेरा मानना है कि बहुओं के लिए भी किया जाना चाहिए, वो भी तो महिलाओं की, हमारी बहुएं ही हैं, वो भी तो बच्चे हैं, तो इससे एक सौहार्द का वातावरण भी बनेगा और घर में खुशहाली भी आएगी, और सभी बहू बेटे बेटियां सभी सुरक्षित भी रहेंगे।